हाँ बोलो, आ रही आवाज अब? अब ठीक है। चलो, तो कल परसों है ना, परसों हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? एनएलएम को। हम तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अरे अब हम लोग इसके अगले पढ़ते हैं। देखो ऐसा है, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था, हमने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, न्यूटन के नियम पढ़े थे। न्यूटन के नियम के बाद में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन के नियम पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसमें ही हमने क्वेश्चन कराए थे। कहाँ पढ़ाया था? नहीं आए थे। कौन आया था तुम में से? हमें बस ये बता दो कहाँ तक करा लिया है आपने? पुली पुली करा रही थी। अच्छा चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, एज के साथ साथ याददाश्त कमजोर होती रहती है, तो याददाश्त कमजोर हो गई है। याददाश्त इसलिए कमजोर और हो गई है, बैचेस बहुत रहते हैं। अब किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो पता ही नहीं रहता यहाँ क्या पढ़ाया गया। चलो देखो, हम लोग को बात करें सर, लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी, लास्ट टाइम पर हमने बात करी थी कि सर अगर एक पुली है, उस पुली के, उस पुली में अगर रस्सी बंधी हुई है, जरा ध्यान दो, इस पुली में अगर कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है, एक तरफ मास M1 है, एक तरफ मास M2 है, तो मैंने कहा था इसमें जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता था वो क्या होता था? ज्यादा माइनस कम। यही तो बोला था, ज्यादा माइनस कम। अगर एम टू ज्यादा है तो एम टू माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, सर ये हुआ करता था मेरा फार्मूला। सर जो टेंशन का फार्मूला था वो था 2m1m2 जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है? ये हमारा फार्मूला होता था टेंशन का, ये टेंशन का फार्मूला। अब देखो मैं इस पे ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जो इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे वो मैंने क्वेश्चन इस प्रकार के कराए थे कि मान लो मेरे पास में अगर एक पुली है, एक तरफ चाहे मैंने एक मास ले लिया था, चाहे मैंने दो मास ले लिए थे, ठीक है, चाहे एक मास चाहे दो मास, जैसे यहाँ पर M1 M2 और यहाँ, तो तुमने क्या कहा था? मैंने कहा अगर ये नीचे जा रहा है इसका मतलब ये हो गया इस मास में से ये वाला मास घटा दो, इस मास को जोड़ो, जैसे M1 प्लस M2 जोड़ो, जोड़ के M3 घटा दो, और घटाने के बाद G बटे टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, जो बच्चे आए थे उनको मैंने ये सब बातें बताई थी। अब जरा सोचना, देखो ऐसा है, अब इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डार्क कैसे होगा? और चलो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो ऐसा है, क्वेश्चन सबसे पहले तो ये है, ध्यान रखना, मैंने कहा था नीट ने जो पिछली बार पेपर दिया था वो सरल दिया था, इससे पहले जब NTA देता था वो पेपर को सरल देता था, लेकिन इस बार पेपर को वो हार्ड करेगा। अगर पेपर को हार्ड करेगा, जब पेपर सरल होते थे तो क्वेश्चन ज्यादातर पुली से पूछ लिया गया था, या तो पुली से एक्सेलरेशन पूछा था या पुली से टेंशन पूछी। लेकिन अगर इस बार जब पेपर हार्ड होगा, जब इस बार पेपर हार्ड होगा तो क्वेश्चंस तुमसे अलग हटके पूछेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इनक्लाइंड प्लेन की। बोलो मत कर, इनक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। देखो ये मेरा एक प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इसका कुछ ना कुछ ये एंगल हो गया थीटा, इसका एंगल हो गया, तुमको बैठने की जगह नहीं मिली है क्या? कहाँ बैठे थे?
हाँ तो पीछे कर एडजस्ट करो, गए थे मुझे पानी पीने के लिए तो 3 घंटे भी ना मिल रहा है, मैंने कहा था बोतल लेके आया तो ठीक है। देखो ये हाँ जैसे बैठे हो बैठ गए, अब चुपचाप सुनो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल क्या है तुम्हारा थीटा। अब इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेन जो कि कैसा हो, तिरछा। उस तिरछे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। mg हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है, अर्थ के इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, ध्यान रखो mg हमेशा और हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है। एक लगता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल लगेगा तुम्हारा इधर, ध्यान रखना जो नॉर्मल होता है नॉर्मल हमेशा नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। अब सर समझो ये प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब वो प्लेन जिस पर वस्तु रखी हुई है, जिस पर वस्तु, सोचो ये प्लेन है, इस प्लेन पर वस्तु रखी हुई है तो इसका परपेंडिकुलर यानी कि इसका लंब, इसका लंब यही तो होगा,
इसका लंब क्या होगा ये। अब देखो ये धरती का जो अर्थ का अर्थ अर्थ है, अर्थ तो मेरी ये है, अर्थ तो ये है, अर्थ का परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो अर्थ का परपेंडिकुलर मेरा ये होगा, ये दिख रहा है, ये मेरा होगा अर्थ का परपेंडिकुलर। अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी चीज एक जानू, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक गोला रख दिया है, ऐसे गोला, ठीक है, ऐसी कोई सेप है, उस सेप पर ऐसे गोला रख दिया है। अब देखो ये कितने जगह टच कर रहा होगा, ये एक यहाँ टच कर रहा है और एक दो जगह टच कर रहा है, जहां टच करेगा वहां पर नॉर्मल होगा, वहां क्या होगा नॉर्मल। सर अगर मैं कहूं सबसे पहले इसका mg क्या होगा, इसका mg मान लो इसमें मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास से नीचे की ओर हमेशा क्या लगेगा सर mg, क्योंकि धरती तो मेरी ऐसे होगी, इस धरती के क्या है ये लंबवत है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल कैसे होगा, तो सर जी देखो ये यहां टच कर रहा है, यहां पर जहां टच कर रहा है तो इस वाले प्लेन पे रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ये होगा, ऐसे ही ये यहां पर टच करा हुआ है तो इसके लंबवत ये होगा, यही तो नॉर्मल होगा, ये क्या होगा इसका नॉर्मल। जरा सोचो मैंने ये ऐसे टच किया हुआ है, ऐसे टच किया हुआ है, मुझे बताओ मेरा mg कहां लग रहा है, तो mg जहां भी मेरा सेंटर ऑफ मास है उससे नीचे की ओर ऐसे mg लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा मैंने यहां पर टच किया हुआ है तो नॉर्मल कहां लग रहा होगा, तो सबसे पहले ये देखो मैंने दीवार को टच किया है, दीवार को, अब इस दीवार को मैंने ऐसे टच किया है तो इसका परपेंडिकुलर कहां होगा, ऐसे बाहर की ओर, यही तो लंबवत होगा, तो यहां पर इसका क्या होगा नॉर्मल होगा, यहां पर इसका नॉर्मल। तो जो चीज हमको याद करनी है वो ये याद करनी है, पहली चीज ये कि नॉर्मल हमेशा और हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लग, वो नॉर्मल हमेशा और हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है, और mg हमेशा और हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है, हमेशा, ये बात हमको याद रखनी है। अब जरा सोचो सर इधर लगेगा ये नॉर्मल, इधर mg, जरा सोचो सर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा। अच्छा उसके बाद में नहीं, ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा तुम्हारा थीटा, ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर मैं तुम बताओ मुझे इधर यहां पर क्या है ये mg, इधर क्या है थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कितना है, तो अगर ये mg को मैं इधर ले जाऊं तो ये mg क्या बन जाएगा, बोलो mg sin थीटा, और mg को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा cos थीटा, mg cos थीटा। अगर मैं ये कहूं ये फ्रैक्शन लेस सरफेस है, यानी कि इस सरफेस पर फ्रैक्शन है ही नहीं, घर्षण है ही नहीं, अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो पीछे की ओर कोई बल नहीं लगता है। अब देखो ये ब्लॉक, सोचो ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो सिर्फ कौन सी फोर्स के कारण, mg sin थीटा, यानी कि नीचे आ रहा है तो सिर्फ आ रहा है mg sin थीटा के कारण। f बराबर क्या होता है सर, ma बराबर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, m से m कट गया तो आंसर क्या आया, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये है क्या एक्सीलरेशन इन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पर एक्सीलरेशन क्या होगा। अब तुम सोचो यहां पर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, घर्षण नहीं, ठीक है, बहुत करीब बढ़े, घर्षण नहीं, अगर घर्षण नहीं होगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, कितना होगा, कितना याद करो, कितना होगा जी साइन थीटा, नीचे की ओर इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा mg sin थीटा, नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा g sin थीटा, इसका एक्सेलरेशन होगा,
इसे उतारो, फिर एक बात बताओ मुझे, इसे उतारो बताओ, लो खड़े रहो ऐसे ही, ये उधर करके आओगे ना हम व्यवस्था करो बैठा देंगे। एक बार बताओ ये बच्चे, तो देखो सबसे पहले एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पर मैंने अगर मास रखा m, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए पूरा। यहाँ पर बोलो क्या फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, mg लग रहा होगा। इधर क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। इधर क्या लगेगा, mg, और नीचे की ओर mg, ठीक है, इसे याद करो। अच्छा, इधर cos थीटा क्यों लग रहा है, मैं परसों बताया था कि जिधर थीटा होता है उधर क्या लगता है, cos थीटा, और दूसरी तरफ क्या लगता है, sin थीटा। याद कर लो, याद कर लो, क्या याद कर लो, याद कर लो, हमेशा और हमेशा इंक्लाइंड प्लेन पर, हमेशा और हमेशा इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की ओर mg sin थीटा लगता है। हमेशा क्या लगता है, mg sin थीटा। सर नीचे जो फोर्स लग रहा था तो तुम एक्सेलरेशन निकाले जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना निकाला मैं, जी साइन थीटा। फ्रैक्शन यहां प्रेजेंट है नहीं, एक्सेलरेशन निकाले जी साइन थीटा, ठीक है। अब वही मैं क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नीट में पूछा गया था, बताओ इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रैक्शन लेस सरफेस है, फ्रैक्शन लेस का मतलब होता है स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा हमारा जी साइन थीटा। याद कर लो, अब जरा सोचो, मैंने तुमसे कहा, जैसे मान लो तुमने पार्क देखे होंगे, ठीक है, पार्क देखे, पार्क में ऐसे जो फिसलने वाले होते हैं, ठीक है, कौन से पार्क में देखे हैं, एक ही तो पार्क है, पीले की है ना, नेहरू पार्क देखे, नेहरू पार्क में फिसलने वाले हैं, ठीक है। मान लो कोई और भी पार्क होगा, नेहरू पार्क में कितने हैं, एक है दो है, एक ही है दो है, चलो मान लो कितने भी हैं, एक ऐसा पार्क है जहां दो है, एक ऐसा पार्क है जहां पर, ठीक है, एक दो है, एक ऐसे है पहला, एक दूसरा ऐसे है, ठीक है, दोनों समान एंगल पर है। अब यहां पर मान लो दो चीजें फिसल गई, एक फिसल रही है मोटी आंटी पड़ोस वाली, एक फिसल रही है पतलू आंटी, है ना, आंटी, एक पतली आंटी है और एक मोटी आंटी फिसल रही है, ठीक है, दोनों समान हाइट से फिसलना स्टार्ट करें, तुम मुझे बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मोटू आंटी का, पतली आंटी का, पतली आंटी का, हाँ मोटू आंटी का, फिसला कर देखना, देखो दोनों का जो एक्सेलरेशन का फार्मूला, बेटा ए जैसे तुम्हारा ब्लॉक फिसल लाता वैसे ही तो आंटी फिसलेगी, आंटी फिसलेगी क्या, यहाँ पर कहीं मास दिया है, नहीं।
तो आंटी के मास पर क्या डिपेंड करेगा? नहीं। चाहे जो पतली हुई चाहे हल्की हुई, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर फिसलेगी। अब जरा सोचो सर, अब दोनों जब नीचे आएंगे तो नीचे आने में दोनों को कितना समय लगेगा? मान लो मोटी आंटी को लगा T1, पतली आंटी को लगा T2, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? अरे मोटी आंटी भी रेस्ट पे थी, ऐसा थोड़ी मोटी आंटी नीचे से कूदी और ऐसे रुकी। अरे रुक गई तो फसली होंगी। तो मोटी आंटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब एक्सेलरेशन समान है तो आने में समय भी क्या लगेगा? समान लगेगा। अच्छा, मोटी आंटी की वेलोसिटी मैंने यहां मानी B1, पतलू आंटी की मानी B2, कौन सी ज्यादा कौन सी कम? दोनों बराबर होंगी। दोनों क्या होंगी? क्यों? क्योंकि सर जी एक्सेलरेशन बराबर, टाइम भी बराबर लग रहा है, वेलोसिटी भी बराबरी होगी। वेलोसिटी क्या होगी? बराबर। क्योंकि जो मैंने मोशन की 4 इक्वेशन लिखवाई थी, किसी इक्वेशन में मास है ही नहीं, सही है? किसी इक्वेशन में मास नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है? उत्तर में तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि खूब खाओ पियो, मोटापे से कुछ नहीं होता है, सही है? मोटापे से कुछ नहीं होता, खूब खाओ पियो। अब देखो इसके बाद सर एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास में ऐसे प्लेन है, देखो प्लेन है, एक एंगल माना θ1, एक एंगल माना θ2, पता ही सही है। यहाँ पर एक पुली रखी हुई है, एक मास इधर रखा हुआ है जिसका मास है m1, एक मास इधर रखा हुआ है जिसका मास है m2, सही है? मैंने कहा ये चीज नीचे आ रही है a एक्सेलरेशन से, तो ये कहां जा रही होगी? तो इस रस्सी में कुछ ना कुछ क्या होगा? टेंशन होगा। क्या होगा? इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन होगा। अगर इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन है, अब मैं तुमसे पूछूं इसमें कि इसमें तुमको क्या फाइंड आउट करना है? एक तो तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और एक तुम्हें टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? टेंशन और एक्सेलरेशन तुमको इसमें बताना है कि क्या क्या हो जाएगा, सही है? अब जरा सोचो हम लोग फिर बात करेंगे। सबसे पहले आप ही लोग बताओगे, ठीक है? ठीक है, पहली बेंच नहीं पीछे वाली बेंच, चारों महारथी को, ठीक है? बताओ बेटा इधर कितना फोर्स लग रहा होगा, मुझे बताओ जल्दी, इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? तो तुम बोले नीचे किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे हमेशा और हमेशा mg sin थीटा, यहां पर क्या है सर? m2। क्या है? तो इधर लग रहा होगा m2g sin थीटा, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? m1g sin थीटा, यही तो लग रहा होगा सर जी, ये लग रहा होगा। अब मैंने कहा बताओ ये इनका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण कितना होगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है इसका मतलब ये वाला ज्यादा ये वाला, बात समझ आ रही? ये वाला ज्यादा ये वाला, तो तुम बोलो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था? ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा क्या है? m1g sin थीटा 1 m2g sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? g कॉमन है, g कॉमन, तो m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2, ये मेरे एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। फार्मूला किसका आ गया? ये एक्सेलरेशन का, ठीक है? एक्सेलरेशन का फार्मूला, तो तुम जो याद करना है एक्सेलरेशन का फार्मूला, ज्यादा में से कम अपॉन टोटल मास। अब किस में से क्या घटाओगे? अगर ये ब्लॉक इधर चल रहा है तो तुम क्या करना, m1 एंगल लेना sin थीटा 1 माइनस m2 एंगल लेना sin थीटा 2 बटे
टोटल मास m1 प्लस इतना कर लेंगे। उसके बाद में अब हम आएंगे टेंशन पर। टेंशन पर सर, इससे पहले जब पुली होती थी तो पुली में टेंशन का फार्मूला क्या होता था? पुली में टेंशन का, जब खाली पुली ऐसे लटकी होती थी तो क्या होता था? 2, बोलो क्या होता था? 2 m1 m2 g अपॉन, यही तो होता था सर। यहाँ 2 होता था, यहाँ क्या होता था? अगर ये एंगल कहीं तुम्हें दिख जाए, कहाँ दिख जाए एंगल, तो फार्मूला होगा होगा बस यही 2 मत लगाना, क्या लगाना है? 2। और 2 के साथ में देखो यहाँ पर एंगल थीटा 1 है, तो यहाँ लगाना साइन थीटा 1 प्लस दूसरी तरफ एंगल क्या है? थीटा 2। थीटा 2 तो एंगल लगाना साइन थीटा, ठीक है? एक तरफ एंगल थीटा 1 है तो थीटा 1, दूसरी तरफ एंगल थीटा 2 है तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा और ये हमारा हो जाएगा टेंशन का फार्मूला, ठीक है? टेंशन मतलब इस रस्सी के अंदर तनाव कितना होगा, इस रस्सी के अंदर जितना तनाव होगा उसका फार्मूला। इसमें जो तुमको याद रखना है वो ये, जो एंगल लिया जाएगा थीटा, थीटा एंगल हमेशा, थीटा एंगल हमेशा धरती से, अरे धरती मतलब अर्थ से, ठीक है, अर्थ से लिया जाता है। बस इतना याद रख, एंगल हमेशा कहां से लिया जाता है? अर्थ से। अब तुम बता सर जी, अच्छा एंगल हमेशा अर्थ से लिया जाता है, एंगल हमेशा कहां से लिया जाता है? अर्थ से। ये याद कर लेना, इसके बेसिस पर कम से कम नहीं तो 100-150 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, बस इन्हीं दोनों के आधार पर याद रखना। इसको उतार लो, फिर इनके क्वेश्चंस बढ़े, हम लोग क्वेश्चन को कैसे आगे कर सकते हैं। अच्छा बैठे भी किए हैं, अगर तुम यही चीज यहाँ रखोगे, यहाँ देखो टेंशन में, तो टेंशन बराबर m1 m2 ऐसे ही रखा मैंने, g अपॉन m1 प्लस, अब देखो
सर एक एंगल मेरा 90 है तो साइन 90, और दूसरा भी कितना है तो साइन 90 बन और साइन 90 बन, और बन और बन कितने हो गए 2। तो अगर मैं इसे खत्म करूंगा तो यहाँ 2 लिख दूंगा, तो 2 लिख दूंगा, क्या मेरा वही बन गया जो पहले था, वही बन गया जो मेरा पहले था। सर ये सब तो चीज चलती रहेगी, ये तो आप बता दोगे। अब जरा एक चीज समझो, मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कोई ऐसा प्लेन दे दिया इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस टाइप से, ये एंगल मैंने कह दिया तुमसे थीटा है, यहां पर एक पुली रखी है, उस पुली से एक मास यहां पर लटक रहा है जिसको मास मान लिया मैंने m2, और एक मास यहां पर है जो है तुम्हारा m1, सही है, ऐसे ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये मास नीचे जा रहा है और ये मास ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा और इसका भी कुछ क्या होगा, इसमें कुछ टेंशन होगी और इसमें भी कुछ क्या होगी, सही है। अब हम सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सर अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता था, ज्यादा में से कौन नीचे जा रहा है, तो m2 नीचे जा रहा है तो सर मैं क्या लिखूंगा, m2 धरती से कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है बाहर में, कितना बना रहा है 90, अरे ऐसे तो जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो धरती से कितना बना रहा है, तो m2 sin माइनस। अब दूसरा वाला m1, m1 धरती से कितना कोण बना रहा है, बोलो, अरे ये कर कितना बना रहा है, ये थीटा, तो साइन थीटा जी बटे, अरे जी तो बाहर रहता था, टोटल मास जोड़ दो एम वन प्लस, अब देखो साइन 90 वन, तो एम टू माइनस एम वन साइन थीटा, एम वन साइन थीटा जी बटे एम वन प्लस, ये इसका हो गया एक्सेलरेशन, ये इसका त्वरण होगा, ये इसका क्या होगा। अब सर अगर मैं इसमें टेंशन पूछता, टेंशन क्या हो जाएगा, तो बोलो टेंशन का फार्मूला, अरे दोनों की गुणा बटे दोनों का, बोलो जी, साथ में एंगल, पहला कितना एंगल बना रहा है जल्दी बोलो, ये कितना बना रहा है साइन 90 प्लस, दूसरा कितना बना रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो मेरी टेंशन आई वो आई m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस साइन, ये मेरा टेंशन आ गया, ये क्या आ गई टेंशन। ऐसे हम लोग टेंशन को फाइंड आउट करेंगे, सही है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन इससे छोटे छोटे तरीके से हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से लिखो फिर अगले बढ़े। फिर फटाफट फटाफट और क्वेश्चंस कराएं तुमसे। ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, भगवान जी बरसाइए मना रहे हैं, कर रहे हैं। तुम्हारा गांव तो नहीं दूंगा, नहीं मेरे गांव में, मगरमच्छ आ गए तुम्हारे गांव में, इंडिया में मगरमच्छ आ रहा है आदमी ढोला जाता है, चाइना में आ जाए तो और खुश हो जाते हैं, वहां सब्जी आ गई, हाँ सब्जी आ गई, सब्जी डॉक्टर को, अरे हम कल ही बहुत रुपए लेके आए डॉक्टर को,
बट डॉक्टर को देखता हूँ फिर मुझे गुस्सा जाती है, फिर मुझे लगता है मुझे मैथ क्यों लिया, बायोलॉजी ले लेता हूँ, डॉक्टर ही बन जाता है। बहुत पैसा डॉक्टर, इसलिए पढ़ लो, तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का। मुझे वापिस से टाइम ट्रेवल करने को मिल जाए ना, तो जब मैंने 12वां किया था तो बहुत खुश हुए थे, बोले अरे मैथ में बहुत नंबर आ गए, तो पूरे पूरे जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें सबसे ज्यादा मैथ में मेरे नंबर थे, तो मैं बहुत खुश, बोले अरे अपन के तो मैथ में बहुत नंबर है, और जो मेरे साथ के जो बच्चे थे उन बेचारे को नंबर थे ही नहीं मैथ में, तो उन्हें उस समय मैथ ही नहीं मिला, उन बेचारों को बायोलॉजी, उन्हें मजबूरी में बायोलॉजी ली, और हम खुश हमें मैथ मिल गया। और अपना अगर टाइम टेबल करके पास्ट में पहुंच जाऊंगा मैं, तो सबसे पहले कहूँगा मैथ काट के बायोलॉजी लिखूँ, कुछ करो मत करो, है ना, ये रहता है। और जितने संघ के है ना सब डॉक्टर बन गए, एक कहीं से टाइम लगा सारे डॉक्टर बन गए। तो इससे इससे फायदा भी है, अगर मान लो कोई सलाह लेनी होती है तो अपनी हम जांच करा लो, जांच कराने के बाद में किसी के पास भेज दो जिसको इच्छा करे, पहले हम देखें हड्डियों का कौन है, दिमाग का कौन है, न्यूरो कौन है, चीज जो है उस उसके पास भेज दो, तो वो फ्री में सलाह दे देता है, 400-500 रुपये पर्चे के नहीं जाते, सही है, 2-4 साल बाद हमारे स्टूडेंट भी बन जाएंगे डॉक्टर, लेकिन वो अभी एमडी नहीं करेंगे, अभी एमबीबीएस खाली पास हो पाएंगे, फिर उनके पास भेज दिया करके तब भी पर्चा नहीं लगेगा, बस गुरुजी होने में ज्यादा फायदा है कि पर्चा नहीं लगेगा, वो आपकी लूटते अपने से सबसे ज्यादा है, से सबसे ज्यादा लूटते हैं, तुमको दोस्त नहीं लूटेगा वो सबसे ज्यादा लूटेंगे, बोले तुमने भी तो फीस में कौन से रियायत करी, चलो आप देखो बच्चों मुझे बताओ सर, मेरे पास एक ऐसा इम्प्लांट प्लेन है क्या होगा, टेंशन क्या होगी, ठीक है, अब देखो कतई दिक्कत नहीं होगी, वही चीज समझो, सबसे पहले एक्सीलरेशन लिखो, कौन चल रहा है, ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है तो सबसे पहले एम टू, ये धरती से कितना एंगल, तो साइन थीटा माइनस, दूसरा वाला ये है, दूसरे वाला ये, अरे पीछे पीछे तो ये है, जो पीछे है वो एम वन, ये धरती से कितना एंगल, ये धरती से कितना एंगल, 0 डिग्री, अरे धरती ऐसे है और ये ऐसे ही चल रहा है तो धरती से कितना एंगल बना रहा है, 0, समझ में आ रहा है 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, साथ में बोलो जी बटे एम वन प्लस M2. बस अब क्या तो वो आ गया एक्सीलरेशन बराबर एम टू साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू पीपी, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू कितनी, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू अगर जीरो से लेते हैं इसको गुणा करेंगे तो सब कुछ जीरो, और अगले है तुम्हारा जी बटे एम वन प्लस, ये मेरे एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला। अब सर जल्दी से मुझे टेंशन बता दो, टेंशन क्या होगी इसकी, तो टेंशन में तुम बोले सबसे पहले तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस इनटू, अब देखो एक एंगल कितना है थीटा और दूसरा एंगल कितना है जीरो, कितना है जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, अगर ये पूरा जीरो हो गया तो सर मेरा टेंशन का फार्मूला बचा एम वन एम टू, इसे पहले लिख लो मैं साइन थीटा, बाद में लिख लो चाहे जी, बटे एम वन प्लस,
ये मेरे टेंशन का फार्मूला है, सही? ये किसका फार्मूला आ गया? टेंशन का फार्मूला आ गया, ये सही है। अगला बताना, आप तो जेई के हो, कौन सी क्लास में हो? बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर। इंटर कहाँ से किया है? अंगूरी देवी, श्री श्री 1000 श्री अंगूरी देवी। अच्छा, कितनी परसेंट है ट्वेल्थ में आपकी? 78, चलो बच गए, सही। आपको फरवरी में एग्जाम है, ध्यान रखें। कहाँ एग्जाम है? फरवरी में। कौन सी कैटेगरी है? जनरल ओबीसी एससी में? ओबीसी, ठीक है। फरवरी में एग्जाम है जेई मेंस का। और ये सारे लास्ट साइड मिलेगी, इसके बाद में कभी जिंदगी में आईआईटी का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। चलो ये हो गया, नहीं हुआ तो उतार लिया, ठीक है। अच्छा चित्र बना लिया, बस फिर क्या करना है? इसका बताओ, एक्सेलरेशन और टेंशन, फटाफट। एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा? पीछे आप चारों लड़कों बताओगे, ठीक है? जल्दी बताओ, इसका एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा? इसका एक्सीलरेशन और टेंशन क्या होगा? ये बेटा नीचे, ये इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक है? बताओ बताओ, पीछे तुम, पीछे बताओ, तुम चारों बताओ, पीछे तुम चारों बताओ, वहां बताओ। यही होगा जो ये लिखा है, यही होगा जो, देखो कैसे बेटा, खुश हो तुम, ये नीचे जा रहा है तो M2 हो गया, एंगल कितना, ये पीछे पीछे आ रहा है तो माइनस M1। अब देखो बेटा, ये धरती है तो ये भी, तो ये धरती से कितना एंगल, देखो एक चीज ऐसे चल रही है, एक चीज ऐसे चल रही है, दोनों पैरेलल नहीं है। अगर कोई चीज दुनिया में पैरेलल होती है तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। कितना है? तो ये धरती से देखो, ये ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये धरती से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। कितना बना रहा है? तो वो 0 डिग्री हमें हो गया, ये आ गया। ऐसे यहाँ पर ये पूरा सेम, एक है एंगल थीटा और एक है एंगल 0। एक एंगल क्या है देखो, एक एंगल थीटा और एक इसका एंगल क्या है? तो एक्सेलरेशन भी वही है और टेंशन भी वही है, दोनों का सेम, ठीक है? ऐसे होता है। हो गया, सही है? अगले बढ़े भाई, ये सब ठीक है सर।
ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है सही है। अब बताना है तुमको एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो फटाफट। एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक्सेलरेशन ठीक है, ऐसा ऐसा ब्लॉक है, ऐसी चीज है, ऐसे चलना। अब देखो बच्चों इसको हम लोग एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तुम बोले एक्सेलरेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे जा रहा है ठीक है, बोले ये नीचे जा रहा है, बोले एम वन कितना एंगल बना रहा है साइन अल्फा कतई सही। उसके बाद में ये किसे खींच रहा है, ये इसे खींच रहा है ना, खींच रहा है तो क्या होगा माइनस एम टू, ये कितना एंगल बना रहा है जीरो, कितना बना रहा है जीरो ठीक है। उसके बाद में ये भी तो पीछे पीछे खींच रहा है, इसको भी तो माइनस का एम थ्री, ये कितना एंगल बना रहा है बोलो बीटा, कितना एंगल बना रहा है बीटा, और पूरे के बाद में जी बटे टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस। अच्छा अब देखो सर, तो एम वन साइन अल्फा ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस एम थ्री साइन बीटा साथ में क्या रहेगा जी बटे एम वन प्लस एम टू प्लस ये हो गया एक्सेलरेशन ठीक है। इसका एक्सेलरेशन यानी कि इसका तुरंत ये हो गया, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन ये हो गया। हाँ अच्छा एम थ्री लो एम थ्री कितना हो गया क्या होगा। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा ठीक है, तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन, सबसे पहले देखो ये नीचे आ रहा है एम थ्री, कितना एंगल बना रहा है अल्फा, यही तो अल्फा बना रहा है, ये क्या है एम टू, क्या एम थ्री एम टू को खींच रहा है, नहीं वो अपने आप ही आ रहा है, वो अपने ये M3 और M2 मिलकर किसे खींच रहे हैं M1 को खींच रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर M2 अपने आप आ रहा है, तो प्लस का M2, M2 भी कितना एंगल बना रहा है अल्फा, M2 भी कितना एंगल बना रहा है अल्फा, माइनस किसको खींच रहे हैं M1 कितना एंगल बना रहा है 90, और बाद में G बटे टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस ठीक है। ये साइन नंबर 1 हो गया,
तुम देखो ये इन दोनों में, अगर इन दोनों में चाहो तो साइन अल्फा कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एम थ्री प्लस एम टू साइन अल्फा, और यहां साइन 90 हुआ तो बचा एम वन, और पूरी की ब्रैकेट जी बटे टोटल मास एम वन प्लस एम टू प्लस, सही है। अब टेंशन निकालेंगे इसकी, इसका हम निकालें टेंशन, ठीक है, कि इसका टेंशन क्या है। हाँ लो देखो साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो एम थ्री प्लस एम टू ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और मेहनत कर लो जम के, क्योंकि तुम लोग बहुत पीछे चल रहे, ठीक है। मैं सही बताऊं कि आप लोगों ने अभी ढंग से कंपटीशन देखा नहीं है, हम लोग बहुत, आप लोग बहुत पीछे हो। कैसे पीछे हो उसका रीजन बता रहा हूँ। आप लोग कब जा रहे हो, जब इंटरवल लो, इंटरवल लिए तब जा रहे हो, सही है। अब वही तो बात है, अगर इस पीलीभीत के अंदर तुमसे ही, तुम ही लोग जब इलेवेंथ में थे और तुमसे कोई कह देता बेटा तैयारी कर लो नीट की या आई आई टी, हाँ सर जी पहले बोर्ड तो कर ले, पहले बारहवीं में पास होने दो, पहले बारहवीं में पास हो गए, सही है, तो पहले तुम्हें बारहवीं में पास हुआ जाता है। अब तुमने अपने टीचर से किसी से पूछा कि सर जी क्या तैयारी कर लूँ इलेवन से, तो तुम्हारे टीचर कहेंगे हाँ पहले बोर्ड तो कर लो उसके बाद में तैयारी होती है, समझे, ये रहता है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कभी सटीक एग्जाम्पल तुम सब चाहे जाके पूछ लेना, गूगल पे तो नहीं मिलेगा। एक नवाबगंज में, एक नवाबगंज दूर नहीं यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, नवाबगंज में एक स्कूल है जिसका नाम था श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, ठीक है। तुम्हें पता है पूरी बरेली का और पूरी पीलीभीत ने, पूरी पीलीभीत बताऊँ मिलके जितने एमबीबीएस डॉक्टर ने दिए होंगे इतने उस अकेले कॉलेज ने दिए, इतना एमबीबीएस उस कॉलेज से निकला, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से। उसमें एक टीचर आए थे, उनका नाम था डॉक्टर इंद्रजीत, पीएचडी कर ली थी इसलिए डॉक्टर लगाते थे, उन्होंने किसी जमाने में तैयारी करी थी नीट की, नहीं हुआ बेचारा, तो वो आके उस कॉलेज में पढ़ाने लगे। प्राइवेट कॉलेज है, पढ़ाई नहीं होती है, ये मैं समझो पढ़ाई बहुत भयंकर होती है ना, पढ़ाई नहीं होती है। जैसे ऐसे सरकारी कॉलेज है, जैसे तुम्हारे ऐसे कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद में मतलब सरकारी नहीं है प्राइवेट, लेकिन वैसे चलता है। अब तुम समझो उसके बाद में क्या हुआ, जब वो जैसे ही बच्चे इलेवेंथ में वहाँ पर पढ़ने आते थे तो इलेवेंथ में जो वहाँ के टीचर थे, जो टीचर देखो इंद्रवीर, डॉक्टर इंद्रवीर सर, डॉक्टर विवेका है सर थे, और केमिस्ट्री में भी टीचर थे, केमिस्ट्री में एक सीमा मैम पढ़ाती थी, सीमा मैम थी, और भी सर थे। ये लोग क्या करते थे, इलेवेंथ से बच्चे को मोटिवेट करते थे डॉक्टरी की तरफ, इलेवेंथ से ही मोटिवेट करते थे, दो लोग अपनी क्लास पढ़ाते थे। इस क्लास में जितनी बड़ी ये क्लास है इसमें कम से कम 400 बच्चा बैठता, इतना गुस्सा गुस्सा, जैसे हमारी अगली ये बेंच पड़ी है ऐसे बेंच की पड़ी होती थी हम लोगों के आगे, ठीक है, उसी पे पढ़ रहे हैं उसी पे लिख रहे हैं, यूपी बोर्ड में यही होता है। उसके बाद तो शाम को एक बैच लगाते थे जिसमें सिर्फ वही बच्चे पढ़ते थे जो बच्चे डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते या आई की तैयारी करना चाहते, बस वही बच्चे पढ़ते थे और कोई, वो इलेवन से बच्चे को ट्रेन करते थे। तो बच्चों का एक विजन होता था बस मुझे एमबीबीएस निकालना है, मुझे एमबीबीएस निकालना है, उसे हर एक बात पता होती थी एमबीबीएस के बारे में कि कितना कोर्स है, कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस लेवल लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं, सब कुछ। उसके बाद में जब वो बच्चा इंटर करने के बाद में जब वो और भयंकर तैयारी करता था उसका सबका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। नवाबगंज में एक कंडीशन तो अब भी वही है, तुम किसी गली में जाना और उसमें एमबीबीएस चल जाते हैं तो एमबीबीएस एक का निकल आया उसमें, इतना एमबीबीएस था। हमारे टाइम में इतना क्रेज था वहाँ पर कि लोग कहते थे डॉक्टर बनना है, हाँ बोले उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है। तो क्या उस कॉलेज में पढ़ाई होती है, नहीं, उस कॉलेज के टीचर थे जो टीचर मोटिवेट करते थे स्टूडेंट के लिए कुछ सक्सेस करने के लिए। अब हमारे यहाँ के जो टीचर हैं उनको खुद नीट के बारे में नहीं पता है तो वो तुम्हें क्या बताएंगे, वो सोचते हैं कि अगर मैंने इसके लिए नीट के लिए कह दिया तो मेरी एक कोचिंग मारी गई, मेरी कोचिंग मारी जाएगी, मेरे 400 रुपये महीने मारे जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो तो 1000 रुपये लें, समझे। इसलिए वो क्यों तो रहा तुम्हारा भविष्य बनाए, भविष्य कोई टीचर फिर ठीक से बनाना चाहता ही नहीं ना ठीक से बताता है, जब टाइम निकल जाता है तब पता चलता है ये चीज, ठीक है।
चलो ये हो गया। तो इसमें आप सभी, अगर मैं इसकी टेंशन निकालूंगा, हम लोग क्या निकालें इसकी टेंशन निकालू। अच्छा मैं तुमको एक बात और बताऊं, हमेशा ध्यान रखो, जो भी बच्चा 11वीं 12वीं से तैयारी करता है, मैं जेई वालों की बात बता रहा हूँ, ठीक है, MBBS जो लगा रहता है उसका MBBS हो जाता है, नहीं तो BMS हो जाता है। जो बच्चा जेई की तैयारी करता है, अगर उसका जेई नहीं भी हो तो उसकी साइंस इतनी स्ट्रांग होती है, कैलकुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसे छोटा मोटा बच्चा बीट ही नहीं कर सकता, बच्चा बीट ही कर ही नहीं सकता। जैसे अगर तुम रेशियो लो, मुझे रामायण बता रहा हूँ तुमको, रेशियो लो, जैसे मैं रेशियो लेता हूँ हर बार, अगर तुम IAS का रेशियो लो, ठीक है, लोग कहते हैं कि हम IAS बनेंगे, तुमने कुछ, तुम्हारे आस पड़ोस में कुछ बहुत विद्वान विद्वान लोग होंगे अब भी, ठीक है, बोले इंटर कर लिया, बोले परसेंटेज तो 60 आई, बोले कोई बात नहीं हम IAS बनेंगे, ठीक है, बोले हम IAS बनेंगे। अब देखो IAS का तुम फंडा समझो, हर साल का तुम उठा के डाटा देखो, 70% इंजीनियर बनता है IAS, डॉक्टर क्यों नहीं बनता है, क्योंकि डॉक्टर को उतने ही बहुत ही मिलना है, मुंबई को क्यों IAS तैयारी करें, इंजीनियर बेचारा प्राइवेट जॉब करता है, हालांकि सैलरी बहुत तगड़ी होती है तब भी, उसके बाद में फिर वो IAS तैयारी करता है, बन जाता है IAS, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, अब तुम्हारा अब बंदा यहाँ पर क्या होता है, अपने यहाँ बैकग्राउंड क्या है कि बच्चे ने इंटर किया है 60%, अब बोले अब हम करेंगे BA, अब मैंने हीने से कर लो BA, अब वो BA में क्या होगा, BA में या BSC कर ली, अब वो BSC पता है इतने पतरे पतरे गैस पेपर होते हैं, इतने पतरे पतरे जो एक घंटा में पढ़कर फेंकते, वो पूरी साल पढ़ते, कोचिंग जाएगा कतई तन मन धन से, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बाहर के रहने वाले हैं पीलीभीत में इसलिए रह के पढ़ रहे हैं क्योंकि कोचिंग पढ़ रही है BSC। तो मुझे एक भी जगह बताओ भाई, एक भी जगह, DU ले लो, AMU ले लो, BHU ले लो, कोई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लो, किसमें BSC की कोचिंग होती है, हायर स्टडी में कोचिंग होती ही नहीं है, BSC की MSC की कोचिंग होती है, कहीं कोचिंग हमेशा कंपटीशन एग्जाम होती है, वो बाहर रह रहे हैं यहाँ पर इसलिए कि हम BSC की कोचिंग करते हैं, फिर वो इतने पतले पढ़ने के लिए पूरी 3 साल वो पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में फिर कंपटीशन करेंगे उस बंदे से जो पूरी जिंदगी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा था, IIT में पढ़ रहा है या NIT में पढ़ रहा है, तो उसकी होड़ कहाँ ले लोगे, उसके सामने तुम कुछ नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तुम लोग जो यहाँ से पढ़ते जाते हो, यहाँ से पढ़ने के बाद में जाके ये नहीं कि बस कॉपी किताबें बंद करी, बस्तर बंद करे, बस बैठ गए आराम से, होने कल फिर से इसको कोचिंग में पढ़ जाएंगे, जो सर जी हूं पढ़ाते बह बह पढ़ लेंगे, बस छुट्टी तो कुछ ना होने वाला, वो तो 10 साल तैयारी होती है, ठीक है, 26.5 लाख वाला पेपर देता है 85,000 से, और बाकी सब ये। तो आप लोगों को यहाँ से घर पे जाने के बाद में कम से कम एक दो बजे तक रात की मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी संरक्षण होगा। खाली यहाँ पढ़ने से, आने से, मेरे पढ़ाने से या किसी और टीचर के पढ़ाने से संरक्षण नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होता है जब तुम टोटल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद जो जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसके क्वेश्चंस लगाओ। सर हम लोग टेंशन पे आते हैं, छोड़ो ज़्यादा नहीं बता, टेंशन पे आते हैं, देखो सर जी टेंशन हो जाएगी, नहीं सर इसकी टेंशन क्या होगी, इसमें टेंशन क्या होगी, ठीक है, और लोग देखो टेंशन इसमें क्या होगी। सबसे पहले सर टेंशन की बात करी जाए तो एक तरफ का मास N1, दूसरी तरफ के दोनों मास जोड़ लो N2+N3, जी बटी बोलो N1+N2+N3। सर जी तुमने यहाँ पर गुणा क्यों नहीं करी, मैंने कहा एक तरफ का मास N1 है और दूसरी तरफ के मास दोनों को क्या कर लिया, मैंने जोड़ लिया, अगर दोनों को जोड़ लिया तो M1 साथ में M2+M3 G/M1+ अब एंगल ले लो, यहाँ एंगल कितना बनना है तो साइन अल्फा, यहाँ एंगल कितना बनना है 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, ये आ गया टेंशन, ये क्या आ गया, ये टेंशन, सही है, ये टेंशन। अच्छा ये टेंशन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा सर मैं अगले टाइप से करूंगा, अगले क्वेश्चन कर लिया, इसे कर लिया, अब देखो
कर दूं ना, एक क्वेश्चन और है फिर आगे देख सकते। बताओ T1 ये हो गया, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आप देखो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूं, हम लोग क्या निकालें, एक्सेलरेशन, हम लोग एक्सेलरेशन बताओ ये अगली बेंच एक्सेलरेशन बताओ फटाफट जल्दी बोलो, कोई एक कर दो, एक कोई एक बंदा बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 M1 प्लस M2 बोलो साइन थीटा माइनस M3 साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो पूरा जीरो कर दूं, इधर का पूरा जीरो, ठीक है सर, इधर का पूरा जीरो, और साथ में किससे मल्टीप्लाई होती है बटे टोटल M2 प्लस टेंशन, टेंशन बोलो टीच कर दू, हाँ बोलो टीच कर दू, M1 प्लस M2 गुणा M3 गुणा एक तरफ के गुणा दूसरी तरफ बटे साइन थीटा प्लस ये जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ टेंशन T1 की, किसमें बात कर रहा हूँ, अब तुम देखो टेंशन T1 को देखो सबसे पहले, सबसे पहले एक बार बताओ ये वाला जो ब्लॉक है सिर्फ ये वाला, अरे ये वाली टेंशन सिर्फ इस वाले ब्लॉक का कारण लग रही है, अगर इस वाले ब्लॉक पर मैं नीचे की ओर कहूं कितना फोर्स लग रहा होगा, एंगल जी साइन इस बार सिर्फ इस, क्योंकि देखो ये टेंशन कौन से ब्लॉक के कारण है, इसके कारण, तो ये टेंशन इस वाले ब्लॉक के कारण है, तो इस वाले ब्लॉक पर नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा होगा, एंगल जी साइन, ऊपर कितना लग रहा है टी वन, ऊपर कितना लग रहा है, मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है इसका मतलब ये हो गया एम वन जी साइन थीटा माइनस टी वन माइनस जो फोर्स बचा बराबर एम वन ए, उसी से तो आगे बढ़ रहा है ये, उसी से कहा बढ़ रहा है आगे, जो देखो नीचे फोर्स लग रहा है एम वन जी साइन थीटा, ऊपर लग रहा है टी वन, जो फोर्स बचा उसी से तो ये नीचे की ओर आ रहा है बराबर M1 A। अगर मैं यहां से T1 को उधर कर दूं, T1 को उधर ले लूं, ठीक है, T1 को उधर ले जाएं, M1 G sin theta, इसको इधर लाएं, M1 A बराबर T1, इन दोनों में M1 कॉमन हो गया, तो G sin theta माइनस A बराबर ये फार्मूला आ गया टेंशन T1 का। सर A क्या है, A यहां से निकलेगा, इसका त्वरण कितना होगा, अरे जितना इसका होगा उतना ही, तो यही तो त्वरण मैंने निकाला था, एक्सेलरेशन निकाला था, तो ये आ गया। इससे हार्ड क्वेश्चन कभी जाने ना, किसी कीमत पे नहीं जाना, चाहे नीट एनडीए कितना ही हार्ड बनाए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं लिस्ट की,
तालियां, सही। इनसे कहेंगे सबको सबकी बोतल में ज्यादा के पानी भरा करो थोड़े थोड़े, है ना, पीने के लिए। चलिए ठीक है, बाद में फोटो खींच लेगा तुम, आते हो जाए। हम बात करते हैं सपने लेते, देखिए लोकल वाली में नहीं चलते हैं, असली वाली में चलते हैं। देखो सबसे पहले तुम एक बात देखो, एक बार जरा सोचो, तुम लोग जितने भी मशीन बेइंग मशीन पर खड़े हो, ध्यान करना मैं उस वाली बेइंग मशीन की बात कर रहा हूँ जिसमें ऐसे ये डिजिटल बेइंग मशीन होती है, यहाँ पर लिख के आते हैं कि तुम्हारा कितना वजन है, कितना वजन है अगर तुम उस पर खड़े हो। अगर मैं कभी भी किसी लिफ्ट पे खड़ा होता हूँ तो लिफ्ट मेरा क्या दिखाती है, मास की वेट, क्या दिखाती है, ना वेट दिखाती है ना मास दिखाती है, ठीक है। लिफ्ट तुम्हारा ना वेट दिखाती है, सॉरी बेइंग मशीन मतलब वजन तोलने की मशीन, वजन तोलने की मशीन, ना ही तुम्हारा ना ही तुम्हारा वेट दिखाती है, ना ही तुम्हारा मास दिखाती है। तो फिर दिखाती क्या है, पहले उस चीज को ध्यान करो। देखो ऐसा है, अगर मेरी यहाँ पर ये मेरे मैंने कोई चीज रखा हुआ है, अब मान लो यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा, अगर एक बंदा खड़ा है, इस बंदे के अंदर मास एम है, इस बंदे के अंदर मास मास एम है, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। और तुम्हें पता है नॉर्मल किसके बराबर होगा सर, एम जी, नॉर्मल बराबर होता है एमजी। तो याद रखना जो बेइंग मशीन होती है, यहाँ पर अगर कोई बेइंग मशीन रखी होती वजन तोलने की मशीन, ठीक है, तो वो वजन तोलने की मशीन एमजी ना दिखा के क्या दिखाती है, नॉर्मल को दिखाती है। किसको दिखाती है, नॉर्मल, ठीक है। बेइंग मशीन कभी वजन को नहीं दिखाती, बेइंग मशीन हमेशा तुम्हारा नॉर्मल को दिखाती है। और जब हम रुके हुए होते हैं, जब हम रुके हुए होते हैं तो हमारा नॉर्मल हमेशा किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर होता है। नॉर्मल फोर्स हमारा हमेशा एमजी के बराबर होता है, ठीक है। चलो अब इसके इसके साथ में अब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी एपरेंट वेट, आभासी भार। वेट का मतलब क्या होता है, आभासी भार, ठीक है। अब मैं एपरेंट वेट की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये जान लिए कि जो भी हमारी वेइंग मशीन है वो हमेशा किसे शो करती है, नॉर्मल को शो करती है, ना कि हमारे वेट को शो करती है। वो बात अलग है, अगर हम रुके हुए हैं तो नॉर्मल ही हमारा क्या है, वेट है, या फिर नॉर्मल हमारे वेट के बराबर है, यानी कि वजन के बराबर है। अब अगर मैंने तुमसे कहा सर एपरेंट वेट इफ लिफ्ट एसिलरेट अपवर्ड, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर एसिलरेशन करेगी, मतलब क्या है, मतलब सर यहां पर लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर बेइंग मशीन है और बेइंग मशीन में कोई बंदा खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर की ओर किससे जा रही है, ए एक्सीलरेशन से। लिफ्ट ऊपर की ओर किस एक्सीलरेशन से जा रही है, ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है, तो जो यहाँ पर जो ये वेट होगा, जो वेट होगा या फिर जो इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल दिखाएगा, वो दिखाएगा एम जी प्लस
अगर कोई भी चीज को ये है, ये बंदा, इस बंदे का मास क्या है, मास क्या है, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसका जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा एम 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 जी प्लस, सही आया कहां से, सबसे पहले देखो नीचे क्या लगता है बच्चों, और ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल ऊपर लगता है। अब ये ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, तो ऊपर जा रही है, तो नॉर्मल क्या होगा, ज्यादा माइनस नीचे बराबर एम बराबर, और इसका मास एम था एम टू, तो नॉर्मल को ऐसे ही रहने, तो इसे उस तरफ ले जाओ, तो एम कॉमन हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, चाहे जी प्लस ए तो चाहे ए प्लस, ठीक है। अगर तुम्हें ये हो जाता है, अगर कोई चीज ऊपर की हो जाती है, तुम जरा एक बात सोचो, तुम लोग क्या करना, जैसे मान लो एक ईंट लेना, ऐसे मैंने ईंट, ठीक है, हाथ में, ठीक है, यहाँ ईंट है, ईंट को अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे, ठीक है, अगर ईंट को तुम एक्सेलरेट करोगे तो तुम्हारे हाथ पर वजन ज्यादा लगेगा, वजन जैसे अभी जो वजन है वो कम है, तो ऐसे ऊपर ले जाओगे तो वजन क्या लगेगा, तुम्हें ज्यादा, और वही चीज अगर ऐसे है और तुम उसको ऐसे लाओगे तो तुम्हें ये लगेगा एकदम से ये क्या हो गई, हल्की, हल्की हो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी चीज को ऐसे रिलेशन से नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो जो नॉर्मल है वो एम जी प्लस ए हो जाता है, क्या बढ़ जाता है, नॉर्मल बढ़ जाता है, ठीक है। मुझे बताओ क्या वस्तु का वेट बढ़ जाएगा, नहीं, वेट नहीं बढ़ता, वेट तो हमेशा एम जी रहता है, क्या बढ़ जाता है, नॉर्मल, और वो नॉर्मल क्या शो करती है, वजन तोलने की मशीन, जिसे वेइंग मशीन बोलते हैं। वेइंग मशीन किसे मेजर करती है, किसे मेजर करती है, नॉर्मल, तो हमें ये लगता है कि उसका वजन बढ़ गया, ठीक है। अगर लिफ्ट एक्सीलरेट करे नीचे की ओर, एक्सीलरेट करे लिफ्ट, ये है नीचे की ओर क्या करे, एक्सीलरेट करे, ये लिफ्ट है। अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगी तो जो तुम्हारा नॉर्मल है वो हो जाता है एम जी माइनस ए, तो तुम्हारा जो नॉर्मल है वो हो जाएगा एम जी माइनस ए, ठीक है। नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी तो नॉर्मल एम जी माइनस ए, ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगी तो नॉर्मल एम जी प्लस ए, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे कोई चीज आती है तो हमें ये लगता है इसका वजन कम हो रहा है, नीचे से ऊपर आएगी तो क्या लगेगा, कम हो रहा है, और नीचे से ऊपर जाएगी तो, लेकिन कब, जब क्या हो, एक्सीलरेशन, जब क्या हो, जब एक्सीलरेशन होगा तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद की जो कंडीशन है, इसके बाद कंडीशन है, हम तुम्हें वो भेज देंगे पीपीटी करने के लिए, ठीक है, हर हर क्लास, हर जो टॉपिक की एक पीपीटी भेज दिया करेंगे, फिजिक्स में भी और बायोलॉजी में, हो गया, टेस्ट क्या बताइए आप, आप चलो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चंस लगाओ और जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने क्वेश्चंस हमसे लेगा, हमारे पास तो इतने क्वेश्चंस हैं कि तुम 5 साल 10 साल तक लगाओगे तब भी नहीं लगेंगे, तुम इतने क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में बता लिया ना, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं, इसे जरा देखो बच्चों, मैंने कहा अगर कोई चीज ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है तो एम जी प्लस ए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे आ रही है तो एम जी माइनस ए, अगर मैं कहूं फ्री फॉल के लिए, अब सर फ्री फॉल क्या होती है, स्वतंत्र रूप से गिरना, स्वतंत्र रूप से, मान लो कोई चीज है, वो कोई चीज, तुम लिफ्ट में बैठे थे और लिफ्ट की डोरी
कट गई, लिफ्ट की डोरी कट गई। अब लिफ्ट की डोरी कट गई तो लिफ्ट कहाँ आएगी? नीचे आएगी, फ्री फॉल कर रही है, ठीक है। तब क्या होगा वो देखिए सर, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, फ्री फॉल कर रही है, इसमें वेइंग मशीन है और यहाँ पर क्या बैठा है बेचारा, बंद गया, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर। अब हम तुमसे कहेंगे अंजलि, अगर कोई चीज फ्री फॉल होगी, अंजलि अगर कोई चीज फ्री फॉल होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। अगर फ्री फॉल होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा बता मुझे, कितना होगा? जीरो। अरे कोई चीज स्वतंत्र रूप से गिरे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जी होगा, कितना होगा? जी होगा, ठीक है। और नीचे आती है तो प्लस का जी होगा। हाँ बताओ सर, अगर मैं नॉर्मल देखूं, तुम बोले अगर नीचे आ रही है इसका मतलब हो गया एम जी माइनस सर, एक ही जगह मैंने क्या रख दिया, जी में से जी गया, यानी कि नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल जीरो। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो इंसान वेइंग मशीन पर खड़ा था, जो इंसान वेइंग मशीन पर खड़ा था, वो वेइंग मशीन अब उसका वजन कितना दिखाएगी? जीरो। वेइंग मशीन देखो नॉर्मली तो बताती है, तो अब नॉर्मल कितना दिखाएगी? असल मानिए तो जीरो दिखाएगी। अच्छा तो मैं कहूं तुमसे, अगर कोई चीज मूव करे ऊपर या नीचे लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, इससे मूव करे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट करे। अब बताओ पीछे चारों महान भाव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? हैं, कितना होगा महाराज? थोड़ा ये दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, तो बताइए अगले वाले कितना होगा? जीरो। क्या होगा? अरे कांस्टेंट क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने क्या बताया था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो वही बस याद रखो ना, एक्सेलरेशन क्या होगा? आप बताओ मुझे, अगर कोई भी बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो नॉर्मल का फार्मूला होता था एम जी प्लस a, अगर एक्सेलरेशन जीरो तो सिर्फ क्या बचा? अगर कोई चीज नीचे जा रही है तब नॉर्मल का फार्मूला क्या हो जाता था? एम जी माइनस a, अगर एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन तो नॉर्मल सिर्फ क्या बचा? ठीक है, यानी के सर अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे या ऊपर जाएगी, नीचे या ऊपर, तो वजन हमेशा कितना रहेगा? नॉर्मल हमेशा कितना रहेगा? एम जी। नॉर्मल हमेशा क्या रहेगा? एम जी, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूं यदि लिफ्ट रेस्ट पर हो, लिफ्ट कैसी हो? रेस्ट पर, रेस्ट का मतलब रुकी हुई है, अगर लिफ्ट रुकी हुई होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। तब भी नॉर्मल क्या आएगा? mg, तब भी नॉर्मल mg आएगा, ठीक है, तब भी नॉर्मल क्या आएगा? mg आएगा, तब भी नॉर्मल mg आएगा। अब बताओ फिर से पीछे चारों, ठीक है, अपन बैक वेंचर से काफी पूछता है, तो भी अपन खुद बैक वेंचर रहा है ना, इसलिए अच्छा बताओ महाराज, तुमसे नहीं पूछे, गाड़ी से पूछे, तुम बताओ, तुम चाहो, ठीक है, आप चलो ये बताओ, अरे देखो इधर नीचे क्या मुंह डाल ले, इधर देखो, तुम ही चाह रहे हो ना, अगले वाले, अगले वाले, एक बार बताओ, अगर तुम
चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से किसी लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे हो, तो जो बेइंग मशीन है वो तुम्हारा वजन पहले से बढ़ा देगी कि घटा देगी? वो बेइंग मशीन कितना दिखाएगी, पहले से ज्यादा दिखाएगी कम दिखाएगी? सुनो, अगर तुम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहे हो तो बेइंग मशीन पहले से तुम्हारा वजन ये है, पहले से तुम्हारा वजन या नॉर्मल वो ज्यादा दिखाएगी कम दिखाएगी? आरा, तुम चारों देवियां बताओ, ज्यादा दिखाएगी? क्या दिखाएगी? ज्यादा दिखाएगी। और वही अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही होगी तब ले लो, कम दिखाएगी, तब क्या दिखाएगी? सही है। और मैंने कहा नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, नीचे से ऊपर किससे जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड से। अगर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो बढ़ाएगी घटाएगी? बढ़ाएगी, बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी? क्यों? मैंने क्या कहा, ये बेग है, ये क्या है? बेग, बेग ये है और ये होता है त्वरण। तो मैंने तो मीटर पर सेकंड कहा, अगर 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी तो क्या बता रहा हूं मैं? बेग बता रहा हूं। और अगर बेग है और ये कॉन्स्टेंट बेग है तो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है तो ना बढ़ाएगी और ना ही वही है, वही है, ठीक है। अच्छा, और फ्री फॉल अगर किसी चीज को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगी? अब एक क्वेश्चन जरा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? दुबई घूमने, ठीक है। मान लो तुम्हारे अमोरे वाले सर, इन्होंने बोला, इन्होंने वीजा निकाल दिया, सभी बच्चों को हम दुबई घुमाएंगे, कब? ठीक है, तुम लोग दुबई गए, दुबई में तुम बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए, ठीक है, ऊपर तुमने वहां से एक बाल्टी ली, एक बेग मशीन ली, ठीक है, एक बाल्टी ली, ये बाल्टी ली, ये बेग मशीन ली, ये बाल्टी से बेग मशीन को चिपका दिया, चिपका दिया। अब चिपका दिया, तुमने ऐसे देखा, यहाँ पर तुम्हें उसका वजन दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लगा दिया तुमने सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, जिससे कि यहाँ वजन इसका नोट होते रहे। फिर तुमने इसे ऊपर से ले जाके ऐसे छोड़ दिया, ऊपर से ले जाके नीचे छोड़, अगर ऊपर से ले जाके इसे नीचे छोड़ दोगे तो रास्ते में ए बेइंग मशीन इसका वजन कितना दिखाएगी? कम दिखाएगी? कितना दिखाएगी? जीरो दिखाएगी। क्या दिखाएगी? क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो ये कैसे गिर रही है, और अगर कोई चीज फ्री फॉल गिरती है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा जी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जी हो गया तो तुम्हारा नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और तुम्हारा नॉर्मल जीरो हो गया तो बेइंग मशीन कितना वजन दिखाएगी? जीरो। ठीक है, फिर तुम्हारी बेइंग मशीन जीरो दिखाएगी, ठीक। पहली चीज है, आज ग्रुप में मैं दोनों ग्रुप में रहूं, मैं ग्रुप में आपको एक पीडीएफ सेंड कर सकता हूं कि नहीं? नहीं कर सकता। अरे उस पर लोगों पड़ा हुआ है ना मेरा, इसीलिए बहुत से कौन चेंज करें। चलो मैं कुछ पीडीएफ चेंज सेंड करूंगा आपके लिए एनएलएम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन एनएलएम को आपको क्वेश्चंस करने हैं, और इसके बाद में अब हमारा फिर से, अभी एनएलएम ही चल रहा है ना हमारा, एनएलएम ही चलेगा, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करना। अब देखो ये, अब मैं जब भी मेरी क्लास होगी, एक तो क्लास नहीं पता है कब होगी, जब भी मेरी क्लास होगी, यही तो दिक्कत है, जब भी मेरी क्लास होगी तो मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दोबारा, सारे फार्मूला दोबारा तुम लोगों से पूछ सकता हूँ, ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़ो।